आज की डेट में सबसे ज्यादा ऑनलाइन अर्निंग के तरीके स्टूडेंट ही सर्च करते हैं जो अपनी पढ़ाई के साथ पैसे कमाना चाहते हैं। लेकिन रुको रुको, अभी क्या है कि आप अगर अर्निंग की बात करेंगे तो लोग कहेंगे तो पढ़ाई का टाइम है, लेकिन भाई जिस पे बीतती है वही जानता है। आप भी पैसे कमाना चाहते हो, आपकी फैमिली को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये जो लोग आपके ऊपर बातें बनाते हैं कभी आपकी हेल्प करने नहीं आएंगे, आपको खुद अपने आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। आज मैं आपको 16 तरीके बताने वाला हूँ, 16 मेथड जो ऑथेंटिक है, रियल है, जो सही तरीके है। वास्तव में अगर ऑनलाइन पैसे कमाने के कोई तरीके हैं तो बस यही है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इनमें से आपको बस वीडियो पूरा देखना है बिना स्किप किए, और एक मेथड को आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये मेरे लिए बना है, मैं इस पे काम करके अर्निंग कर सकता हूँ, और उसको आप चुने, मुझे कमेंट करें, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ऑलरेडी इन्वेस्ट सभी टॉपिक के ऊपर हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे जाके सीख सकते हैं और वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हर वही मेथड जिसमें आप थोड़ा मेहनत करके कमा सकते हो अपने चैनल पर बताया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट की लाइफ ख़राब करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है और ना मैं ख़राब करने दूंगा किसी को। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखें, और साथ में आपको फ्री गिफ्ट के लिए आज रात को 9 बजे यानी कि हमारे यहाँ पर सेकेंड गिव अवे का अनाउंसमेंट हो चुका है। जी हाँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो बाद में, अदरवाइज़ ये 5 तारीख को 9 बजे शूट के पहले हो चुकी है वीडियो, तो आपको बताना चाहता हूँ गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर कर लें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी क्या है दोस्तों कि 16 तरीके आपको बताऊंगा जो ऑनलाइन अर्निंग के तरीके हैं जिनसे आप सिंपली अर्न कर सकते हो। ऑनलाइन का बेसिकली वर्क रहता है कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाया जाए, तो उसमें बहुत सारे लोग सोचते हैं शायद सर्वे कंप्लीट करके, ऐड देखकर, वीडियो देखकर, ऐप डाउनलोड करके कमा सकते हैं, उससे कभी भी आप लॉन्ग टर्म अर्निंग नहीं कर पाओगे। वो बात अलग है, थोड़े समय के लिए आपने कुछ अर्न कर लिया, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म अर्निंग करना चाहते हो तो आपको एक प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा, एक फील्ड आपको बनानी पड़ेगी और उसमें आपको काम करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों समझते हैं, सबसे पहला जो वर्क है जिससे आप अर्निंग कर सकते हो जेन्युइन, वो है गाइस अगर मैं बात करूँ राइट अ ब्लॉग। ब्लॉग आप सभी लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं तो गूगल पर हम कुछ भी सर्च करते हैं वो ब्लॉग होता है, ये भी एक ब्लॉग है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप ब्लॉगिंग करके bloggers.com पर जी या WordPress पर आप ब्लॉगिंग करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। इसके ऊपर सेपरेट मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, और शायद हो सकता है मैंने कम से कम भी 50 बार मैंने ब्लॉग को नंबर 1 पर रखा है। जब भी मैंने ऑनलाइन अर्निंग की बात करी होगी आपने देखा होगा, मैंने तभी ब्लॉग को नंबर 1 पर रखा है। उसका रीज़न है क्योंकि ये नंबर 1 पर है, क्योंकि आज के डेट में सबसे ज़्यादा अर्निंग जो लोग करते हैं वो ब्लॉगिंग से ही करते हैं। एक जेन्युइन मेथड है खासकर स्टूडेंट्स के लिए। आप एक स्टूडेंट है, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, फुल टाइम जॉब करते हैं, एक हाउस वाइफ है, सबके लिए ये ऑप्शंस होता है, इजीली आप कर सकते हैं। चाहे आप वर्डप्रेस पे करें, मीडियम पे करें, ब्लॉगर पे करें, थंबलर पे करें, कहीं भी आप करें अच्छी खासी अर्निंग आप वहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर दोस्तों आपको मैं बात करूँ तो आता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ, जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट को किसी को भी शेयर करते हैं और उस लिंक के थ्रू कुछ परचेज करता है तो हमें उसका कमीशन मिलता है। एफिलिएट मार्केटिंग के बेसिस पर कई सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे डीजी स्टोर हो गया और आपका क्या कहते हैं क्लिक बैंक हो गया, सीपीए लीड हो गया, ऐसे मल्टीपल आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो। मैंने फ्री वीडियो के शुरू में ही बोला था कि आपको एक फील्ड, एक नीश को चुनना होगा, उस पर काम करना होगा, एंड डेफिनेटली आप एक अच्छी अर्निंग कर पाओगे। ये तो मैं टॉप पे बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट आता है कंटेंट राइटिंग। अब कंटेंट राइटिंग में बहुत सारा काम आ जाता है, जैसे आर्टिकल टाइप करना, अगर आपको टाइपिंग थोड़ी सी भी आती है आप ये सारे काम कर सकते हो, चाहे तो गोस्ट राइटिंग हो गया, वेब कंटेंट हो गया, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हो गया, या फिर आपका प्रोडक्ट रिव्यू हो गया, एड कॉपी हो गया, ये सारे काम आप यहाँ से कर सकते हैं, और ये सभी कंटेंट का पार्ट आता है। बहुत सारी ऑनलाइन साइट्स है जहाँ से आप कंटेंट से रिलेटेड काम कर सकते हो, कंटेंट राइटिंग का काम कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, हम जब भी कहीं पर काम करने के लिए जाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पर आपको एक्सपीरियंस मांगेगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर सिंपली अप्लाई कर देंगे कि यस आई हैव एक्सपीरियंस, वो काम मिलता है, आप करके देखिए, ऐसी बात नहीं है। देखो कोई भी एक्सपर्ट बंदा कभी ना कभी फ्रेशर तो रहा होगा ना, और आज आप फ्रेशर हैं तो ज़रूरी नहीं है कि कल को आप फ्रेशर ही रहें, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करें इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, ये मैं हमेशा आपको कहता हूँ, अगर आप एक यंग जनरेशन है तो आपको इंस्टाग्राम पे अपने फॉलोवर्स बढ़ाने चाहिए, जिसके कई तरीके हो सकते हैं, आप जाके हमारी प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। इंस्टाग्राम से अर्निंग का बहुत अच्छा तरीका है, अगर ये मैंने टॉप पे बताया, टॉप 4 ऑप्शंस में आ चुके हैं इंस्टाग्राम पे। अगर आपके पास 10,000 सब्सक्राइबर या फॉलोवर्स भी हैं तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप बने हुए हैं जो आपको पेड प्रमोशन कराते हैं, एक प्रमोशन का 50 से 100 रुपये, 150 रुपये देते हैं। एक होता है बोल के प्रमोशन करना, एक होता है आपको अपनी पोस्ट डालना, स्टोरी डालना, स्टोरी के 50 रुपये मिलते हैं, ऐसे आप अर्निंग कर सकते हो स्टूडेंट लाइफ में। जी हाँ, बहुत सारे लोग हैं, आप कहेंगे तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, बेफिक्र रहिए।
तो इंस्टाग्राम का ये भी तरीका है अर्न करने का। ऑनलाइन सर्वे भी आप कर सकते हैं। ऑनलाइन सर्वे के ऊपर पूरी मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें ओपिनियन देना रहता है। बहुत सारी वेब ऐसी रियल साइट्स हैं जहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो, फेक भी है लेकिन अपन तो रियल बताते हैं, जहाँ से ऑलरेडी मैं अर्न कर चुका हूँ। जब मैंने स्टार्टिंग की थी ऑनलाइन वर्क से तो मैंने सर्वे से ही स्टार्ट किया था, ठीक है ना। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप सर्वे कंप्लीट कर सकते हैं लाइफ पॉइंट में, सर्वे जंगल में, ऐसे बहुत सारे हैं आपके जिसमें जाकर आप सर्वे कंप्लीट करके अर्न वहाँ पर कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे हैं, मैं आपको सारे अलग अलग क्या बताऊँ, आप जाके प्लेलिस्ट खुद देख सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी सेपरेट जिसमें बहुत सारी वीडियोस होंगी। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, नेक्स्ट अगर बात करें रिज्यूम राइटर, जैसे राइटर का काम है तो राइटर में बहुत सारे काम आ जाते हैं। एक रिज्यूम राइटर का काम भी आ जाता है, लोगों के लिए रिज्यूम लिखने का काम होता है या लेटर लिखने का काम होता है, तो उससे भी आप अर्निंग कर सकते हो। ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, अभी अपलोड हुई थी। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है जैसे कि आपको ऑडियो फाइल मिल जाती है, उस ऑडियो फाइल से आपको कन्वर्ट करके वर्ड में कन्वर्ट करना है। बस आपको सिंपली साइन अप कर देना है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, टाइपिंग की भी खास नीड नहीं है, बस लैंग्वेज आपको मल्टीपल आनी चाहिए, जिसके लिए आप गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ कर सकते हो। इसमें मैं आपको तीन साइट बताता हूँ, रीव ट्रांसक्राइब और ट्रांसक्राइब मी, और एक साइट और ले लीजिए हैप्पी स्क्राइब। इन साइट पर आप अप्लाई करें, वहाँ पर आप साइन अप करें और वहाँ पे काम आपको मिलता है तो आप अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी कोई भी नॉलेज है या आप रेगुलर अर्निंग करना चाहते हैं तो आज ही फ्रीलांसर बन जाओ। फ्रीलांसर वो होते हैं जो किसी के गुलाम नहीं होते, किसी की नौकरी नहीं करते, घर पर रहकर काम करते हैं सिंपली। तो आपको घर पर रहकर काम करना है, आपको ऑनलाइन काम मिलेगा। ऐसी पाँच बड़ी साइट है, फाइबर, अपस्टॉक, फाइबर, अपवर्क और आपका guru.com, freelancer.com और आपका चैग इंडिया। चैग इंडिया के बारे में आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ, चैग इंडिया जो एक जहाँ पे इंग्लिश सिखाते हैं लोग, और यहाँ पे आपको इंग्लिश में मतलब क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं लोगों को इंग्लिश में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यहाँ से भी अर्निंग कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नहीं पता, डिजिटल मार्केटिंग का आज बहुत बड़ा ट्रेंड है। डिजिटल मार्केट, आज कोई भी प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है ऑनलाइन तरीके से तो वो डिजिटल मार्केटिंग में ही आता है। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हो, जिसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, उस पर प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है, जाकर देख सकते हैं। मैंने अभी बोला ना, हर एक पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो डिजिटल मार्केटिंग अगर आप सीखते हैं तो उसमें कंटेंट मार्केटिंग हो गया, मोबाइल मार्केटिंग हो गया, ईमेल मार्केटिंग हो गया, सर्च इंजन SEO का काम हो गया, ये सब आपको इसमें सिखाया जाता है। अगर आप कहीं डिग्री लेने जाते हो तो 20-30 हज़ार रुपये आपके लगते हैं एक साल के कोर्स के, लेकिन ऑनलाइन आप फ्री में सीख सकते हो। मैं भी आपके लिए कोर्स लेके आने वाला हूँ, ठीक है, तो उससे आप सीख सकते हो, वहाँ से आप अर्न कर सकते हो बहुत इजी तरीके से। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें, वो आ जाता है आपका सेल ऑनलाइन कोर्सेज। अगर आप मेरी एज के हो, आप कोई कोर्स वगैरह बना सकते हो, मतलब आप स्टूडेंट नहीं हो, स्टूडेंट कंप्लीट कर चुके हो स्टडी, तो आप जिस चीज़ में इंटर सकते हो उसका एक ऑनलाइन कोर्स बनाकर सेल कर सकते हो, सोशल मीडिया पर अपने एप्लीकेशन बनाकर कर सकते हो। ये बहुत सारी साइट जैसे क्वेसेरा हो गया, यूडमी हो गया, है ना, अमेजन किंडल हो गया, वहाँ पर आप अपलोड करके भी अर्निंग कर सकते हो। फ़ोटो सेल करके भी आप अर्निंग कर सकते हो, अगर आपको नहीं पता है। बहुत सारी से फ़ोटो लिया हो गया आपका, शटर स्टॉक हो गया आपका, पिक्सल्स हो गया, ऐसी alarmy.com हो गया, इन सभी साइट्स पर अपनी फ़ोटोज़ जो आपके मोबाइल में एक्स्ट्रा फ़ोटोज़ हैं आपकी, आपकी फैमिली की या गार्डन की या कोई भी जर्नल, उसको आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं, उससे आपकी अर्निंग होती है। ऐसे ही कुछ और साइट्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा, जैसे एक साइट, एक ऑनलाइन डोमेन्स वगैरह भी बेच सकते हैं। डोमेन का आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जैसे हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं उसके लिए डोमेन और होस्टिंग लेना पड़ता है। उनमें से जो डोमेन, जैसे मेरा वेबसाइट है sbjclasses.info, तो जो .info है वो डोमेन है और वो लेना पड़ता है। तो उसके लिए आप उसे एफिलेट करके भी अर्न कर सकते हो, लोगों को शेयर करके, उसमें अच्छा खासा पे आउट मिलता है। एक एक डोमेन का 500 से 1000 रुपये आपको मिल जाता है। लास्ट बात करें स्टॉक ट्रेडिंग, देखो अगर आप सिंपली अर्न करना चाहते हो तो मैं आपको लास्ट बताना चाहूँगा स्टॉक ट्रेडिंग। आपके पास अगर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा अमाउंट है, 5,000, 10,000, 20,000, उसे आप मल्टीपल स्टॉक में लगा सकते हैं। मतलब एक स्टॉक में लगाने तो रिस्क होता है, मैं कहता हूँ आपने 5-7-10 स्टॉक में लगा दिया, अगर 2-4 डूबे भी तो कुछ तो आप आएंगे, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी अच्छा ऑफर है, आप यहाँ पे यूज़ करके अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें ऑनलाइन अर्निंग के जेन्युइन तरीके तो यही हैं, इसके अलावा तरीके तो बहुत हैं लेकिन वो जेन्युइन ही है। जैसे आप लोग सर्च करते हो कॉपी पेस्ट वर्क के बारे में, आप लोग सर्च करते हो फॉर्म फिलिंग के बारे में, SMS सेंडिंग के बारे में, इस तरह का कोई ऑनलाइन वर्क नहीं होता इंडिया में, खासकर नहीं होता। अगर आपको काम करना है, एफिलिएट पे ध्यान दीजिए, ब्लॉगिंग पे ध्यान दीजिए, राइटिंग पे ध्यान दीजिए, ट्रांसक्राइब पे ध्यान दीजिए,
एफिलेट पे उसके अलावा ध्यान दीजिए, और ऐसी मैनी मोर थिंग्स है। सर्वे कंप्लीट करके आप अर्न कर सकते हैं, फोटो सेल करके आप काम कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स आप बेच सकते हैं, ये सभी आपको हेल्प करेंगे और आप एक इससे अच्छी खासी अर्निंग कर पाओगे। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर से बताना, और मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, देखो मेरी रिक्वेस्ट भी है सबसे, अगर आप एक अच्छी अर्निंग करना चाहते हो तो अब आप कुछ वीडियोज़ हमारे चैनल पर से देखते होंगे, जैसे एड वॉच पे आ गई है ना, और आपके क्या कहते हैं कैप्चा पे आ गई, ये आप लोग मजबूर करते हो सर इस पर वीडियो बनाओ इस पर बनाओ, लेकिन अगर मेरे मन से पूछते हो कि क्या सही है किससे मैं अर्निंग कर सकता हूँ, तो वो इनमें से कोई एक मेथड आप अप्लाई करो, उस पर पर्टिकुलर काम करो। हम मल्टीपल चीज़ों पर काम करेंगे तो हमें कभी अर्निंग नहीं होगी। कुछ लोग कहते हैं सर आपकी वीडियो देख के मुझे एक रुपये की अर्निंग नहीं हुई। वीडियो देखने से कभी अर्निंग नहीं होती दोस्त, वीडियो देखने के बाद जो मेथड बताया उसमें से एक मेथड के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करवाओ मेरे से, मैं आपको दूंगा, आप उस पर अप्लाई करो, वेट करो, रीअप्लाई करो, देन आफ्टर यू कैन सी देयर इज अ लॉट ऑफ अर्निंग देयर। सो ये वीडियो मेरी आपके लिए थी, स्टूडेंट्स के लिए खासकर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना एंड वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू।